और बालाघाट मुख्यालय के भटेरा मार्ग में दूसरे दिन एक बड़ी घटना टल गई है। इस मार्ग पर यात्री बस ने गाय के बछड़े को टक्कर मार दिया, जिसके चलते वहां लोगों ने यहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और अपना आक्रोश दिखाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते बालाघाट लामता मार्ग का आवागमन बाधित हो गया था। यहाँ हम आपको बता दें, इस बीच एक दिन पहले सीमेंट से भरे ट्रक ने निजी स्कूल की शिक्षिका को रौंद दिया था। इस घटना से लोग खासे आक्रोश हैं, तो वहीं अतिक्रमण हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरे दिन निजी जो बस है, यात्री बस है, उसने गाय के बछड़े को टक्कर मारी है, जिससे लोगों का गुस्सा और फूट गया। वहीं सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र यादव पूरे स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे हैं और मामले को शांत करवाया है। से हमारे मोहल्ले की ही एक शिक्षिका और हमारी पड़ोसी, हमारे परिवार की सदस्य जैसी बेटी असमय ही काल के गाल में ट्रक दुर्घटना में समा गई। इसको लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है और आज फिर अभी मुझे ऐसी सूचना मिली कि बस चालक शराब पी के गाड़ी चला रहा था और किसी गाय को ठोस मार दिया, तो लोगों के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। इसलिए अभी हमने लोगों को शांत कराया और आज हम इन्हीं बातों को लेकर सभी रहवासी यहाँ भटेरा रोड के और बालाघाट के जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनकी ओर से जो प्रशासन को सुधार, ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए और जो अतिक्रमण मुक्त करने के लिए करना चाहिए और किस तरह से इन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए रेलवे ओवरब्रिज का जल्दी जल्दी निर्माण, बालाघाट के चारों ओर एक बृहद रिंग रोड का निर्माण हो जिससे भारी वाहन अंदर न जाए, इन सभी बातों को लेकर हम सभी आम नागरिक आज माननीय कलेक्टर महोदय और SP साहब के माध्यम से हम अपनी बात को रखने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है क्योंकि भटेरा रोड की जो स्थिति हो गई उससे कहीं ना कहीं सभी लोग, यहाँ के रहने वाले और यहाँ से आने जाने वाले लोग परेशान हैं। तो इसके लिए प्रशासन को कहीं ना कहीं उचित निर्णय लेकर ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये भटिया रोड पे अभी सूचना मिली थी कि जो है गाय का बछड़ा है, उस पर जो है कोई बस, यात्री बस है, उसका जो है पहिया चढ़ने की सूचना मिली थी। उस पर देखिए जो है यहाँ पे आए और जो है लोगों को समझाई देकर जो है बस को थाने रवाना किया गया है। उसके अलावा जो फरियादी थी जिसकी गाय थी उसको भी थाने भिजवाया गया, इनकी तरफ से जो है मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। सर, चक्का जाम कर दिया गया था ग्रामीण? नहीं, वो चूँकि लोगों में कल घटना वाले थोड़ा सा आक्रोश था, उस कारण जो है वो उनको समझाई देकर फिर जो है बस को रवाना किया। सर, क्या मांग थी सर लोगों को? यही मांग थी जो है उनको कि जो है बसें जो है इस रूट से नहीं निकल चुकी, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है नहीं बस निकलने का, उनके लिए जो फिर से बस मालिकों की जो मीटिंग करके जो है इस प्रकार से आगे व्यवस्था नहीं उसकी जो है सुनिश्चित किया जाए।